10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवान दवा हैं। डीजी रेंजर सिंह मेजर जनरल अजहर वकास ने रेंजर्स कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नवीद कमाल से। जी नवीद बताइएगा। जी बिल्कुल, 10 मुहर्रम उल हराम का जो जुलूस है वो अपनी मंजिल की जानिब रवान दवा है। रेंजर्स की जानिब से जो है सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। 4000 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार तैनात हैं। डीजी रेंजर्स जो है यहाँ पहुँचे, इन्होंने कमांड एंड कंट्रोल रूम में उसका जायज़ा ले रहे हैं। डीजी रेंजर्स को जो है रेंजर्स अफसरान की जानिब से जो है ब्रीफिंग दे रहे हैं। डीजी रेंजर्स कमांड एंड कंट्रोल रूम जो रेंजर्स के कैमरे हैं उनके ज़रिए जो जुलूस की नकल व हरकत है और उसमें जो सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं इनका जायज़ा ले रहे हैं और डीजी रेंजर्स को जो है सिक्योरिटी के हवाले से जो है ब्रीफिंग दी जा रही है। वाज़ह रहे कि रेंजर्स के 4000 के करीब जवान जो है वो जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात हैं। इसके अलावा रेंजर्स की रिजर्व फोर्स कलंदर विंग और दीगर जो रेंजर्स की रिजर्व फोर्स है वो भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। जी